हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय, अगर हम किक मारते बाइक को स्टार्ट करते या सेल्फ से बाइक को स्टार्ट करते, ये दोनों काम करते समय ज़्यादा फ्यूल यानी ज़्यादा पेट्रोल हमारा किस में चला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। आज का ये विषय है। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं, कोई कोई लोग रहता है सेल्फ से बाइक को स्टार्ट करते हैं, कोई कोई लोग किक से बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो मारते समय एक्चुअली क्या सिचुएशन होता है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किक से जो बाइक स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों किक मारते, जैसे सबको पता है किक मारते, तो किक मारते समय जो किक का जो लीवर होता है ये कैसे कॉम्प्रेस करता है, कॉम्प्रेस बोले तो आपने अगर क्लच ओढ़ा है तो किक से काम नहीं। दोस्तों किक मारते समय अलग अलग सिचुएशन है, जैसे किक होता है वो कॉम्प्रेसर होना चाहिए, कॉम्प्रेसर बोले तो हम लोग को जाम लगना चाहिए, इतना भी जाम नहीं, आधा किक है वो ढीला होता है, बाद में जाम लगेगा, जाम यानी जाम लगेगा इसका मतलब कॉम्प्रेस अच्छा होगा यानी कॉम्प्रेसर सिस्टम अच्छा काम होगा। अगर ढीला होगा, कॉम्प्रेस नहीं होता, फ्रीली घूम रहा है, तो किक आपका काम नहीं करेगा। अगर आपने क्लच अगर आपने और खींचा तो कॉम्प्रेस नहीं होगा यानी किक काम नहीं करेगा, आपको क्लच को छोड़ना पड़ेगा तभी किक काम करेगा। अभी एक्चुअली क्या होता है, किक मारते समय जो किक का लेवल होता है वो किक का लेवल क्या होता है, गियर बॉक्स में ज्वाइन हुए रहता है, तो जिससे प्राइमरी गियर है वो काम करेगा किक मारने के वजह से, प्राइमरी गियर फिर अलग अलग गियर को काम करते देता है, यानी एक ही बार काम करेगा, जो जिससे क्रैंक है वो चलना चाहिए, क्रैंक है वो अपना काम करता है, आगे बाइक जाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक हम लोग गियर में नहीं डालोगे तब तक बाइक आगे नहीं जाने। हम लोग न्यूट्रल पे किक मारा है इसके लिए बाइक जगह पे खड़े, जो गियर शाफ्ट है और जो क्रैंक है वो अलग अलग है, यानी गियर शाफ्ट है वो अलग अलग हो गया, यानी एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग किक मारते तो उस समय एक्चुअली मैं पार्ट्स बताना चाहता हूँ आप लोगों को कैसे होता है। तो दोस्तों यानी एसी करंट शो करता है, ये जो होता है ये हेड है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कंटेनर होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन आगे पीछे यानी ऊपर नीचे वगैरह होते रहता है, जो भी पावर आता है वो इंजन के अंदर आता है, ये हिसाब से आता है, ये एसी करंट प्रोड्यूस करता है ये वाला। हम लोग किक मारते समय मैं बताना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो किक है यहाँ तला फ्री होता है, यहाँ तला फ्री होता है, यहाँ पे जाम हो गया इसका मतलब कॉम्प्रेस करने का काम उसका है, यानी कहने का मतलब है किक मारते उस समय अंदर के बहुत से चीज होता है ये एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए, जैसे हम लोग किक मारेंगे तो किक का जो लेवल होता है वो ये गियर बॉक्स तो छूटा है लेकिन जो क्रैंक है उसको पावर देने का काम करेगा, यानी इसके लिए पावर देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फ्यूल तो जाने वाला है। अभी दूसरे हिसाब से हम लोग बात करते, अगर सेल्फ से काम करते बहुत से जन देखते हैं विंटर सीजन में एक्चुअली क्या होता है, सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसका अलग कारण है, क्योंकि जो कोल्ड वातावरण होने की वजह, ठंडा होने की वजह से बाइक अपना वार्म अप नहीं होने की वजह से विंटर सीजन में बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो हम लोग को चौक ओपन करना पड़ेगा, चौक ओपन करेंगे तो क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा विंटर सीजन में तो बाइक स्टार्ट होगी, यानी एक्चुअली क्या होता है एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर का जो रेशियो था वो सही मात्रा में होना चाहिए, एयर हमारा 14.7 होना चाहिए, H2 फ्यूल हमारा 1 पार्ट होना चाहिए, तो सभी होएगा विंटर सीजन की बात। तो हम लोग को ज़्यादा करके सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं होती, प्रॉब्लम होएगा बाइक का वोल्टेज अगर कम होगा 11 के नीचे वगैरह तो भी सेल्फ से काम नहीं करेगा, किक से काम करेगा, यानी कहने का मतलब किक से काम करते समय जो क्रैंक घुमाने का काम होता है वो किक के वजह से होता है, यानी जो कॉम्प्रेस होने के वजह से होता है, और सेल्फ से अगर हम लोग करते हैं तो सेल्फ का भी मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों जब हम लोग सेल्फ घुमाते तो सेल्फ होता है जैसे ये पार्ट्स है इसको सेल्फ बोलते तो सेल्फ घुमाते उस समय क्या होता है, ये वाला सिस्टम है हम लोग को ये वाला दिया है, इसके अंदर भी वो आर्मेचर कॉइल होता है इसके अंदर, और 2 कार्बन होता है, वो अगर खराब होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी आपकी, ये काम कर रहा है, यहाँ पे करंट रहता है, यानी एक्चुअली क्या होता है बाइक के बैटरी का जो करंट है, बाइक का बैटरी के करंट यहाँ पर आ जाता है, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो वायर है यहाँ पर आ गया जो रेड कलर का बैटरी का वायर यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा उसके वो अगर खराब होता तो इसमें आवाज आएगा टेक 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 टेक, तो इसका समझ में कार्बन खराब हो गया, और एक रिले एक होता है रिले
रिले होता है अंदर की तरफ बैटरी के पीछे जो रिले होता है, वो रिले अगर खराब होगा फिर भी बाइक का सेल काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आज का जो विषय हमारा, किक से जो बाइक का फ्यूल ज़्यादा जाता है या सेल्फ से ज़्यादा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात, यानी कहने का मतलब है दोनों भी सिचुएशन में जो सेल्फ है वही काम करेगा क्रैंक घुमाने का, और जो किक है वो भी वही काम करेगा क्रैंक घुमाने का, दोनों भी क्रैंक घुमाने के लिए काम आते हैं, ये मतलब है। यानी कहने का मतलब है, एक्चुअली कहने का मतलब है दोनों के हिसाब से सेम पेट्रोल जाएगा, कम ज़्यादा पेट्रोल नहीं जाएगा। उसके बाद पेट्रोल ज़्यादा कहाँ पर आपका जा सकता है, आपका चलाने का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन से गियर में कितना आप चला रहे ले, आपका कार्बोरेटर कैसा है, वही हिसाब से आपका जो भी स्पेयर पार्ट्स है, इंजन का पार्ट्स कैसा है, जो व्हील है वो जाम है क्या है, यानी लोडिंग है क्या नहीं, हवा भरी है क्या नहीं टायर में, इसके ऊपर आपका जो पेट्रोल का महीना आप सोच सकते हैं। लेकिन जो आज का विषय था अपना सेल्फ से और जो किक से बाइक स्टार्ट करते इस समय जो फ्यूल होता है ज़्यादा किस में जाता है, कम किस में जाता है, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है क्रैंक पर। जब तक आगे आगे बाइक का जो करंट है वो क्रैंक तक नहीं जाएगा तब तक क्रैंक वो घुमाएगा नहीं, यानी दोनों भी क्रैंक तक जाते उसके बाद फ्यूल का काम चालू हो जाता है। यानी कहने का मतलब दोनों भी सेम पेट्रोल देना पड़ता है, दोनों को दोनों काम के लिए सेम पेट्रोल देना पड़ता है। तो हमारा मन का बात हो रहा है, क्योंकि बहुत से जन मुझे पूछते भी है किक से स्टार्ट करना है या सेल्फ से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ठंडी के मौसम का तो मैंने बात बताया कि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता, हम लोग को किक मारना पड़ता है। समझो आप बार बार किक मारते रहेंगे और बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ज़्यादा का ये जो विषय मैंने बोला है, एक ही बार सेल्फ से स्टार्ट होते और एक ही बार किक से स्टार्ट होते, इसके लिए मैंने विषय बोला। दोस्तों इस प्रकार छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं वीडियो के माध्यम से हमेशा आप लोगों के लिए लेके आते रहता। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।